हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के टॉप 100 एमसीक्यू। कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें बिगनर्स लेवल के क्वेश्चन चाहिए। इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन बिगनर्स लेवल के लिए लेके आए हैं, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। टॉप 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिससे आपका पूरा बेस मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? बैटरी, इनपुट डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आंसर सभी को पता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। व्हाट इज लैपटॉप? लैपटॉप क्या होता है? तो सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं, डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये कहता है, लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स डिजाइंड फॉर पोर्टेबिलिटी। लैपटॉप पोर्टेबिलिटी के लिए डिजाइन किए गए एक कंप्यूटर ही है। बी, स्मॉल लाइट वेट कंप्यूटर्स विच फिट्स इन अ सूटकेस। स्मॉल लाइट वेट कंप्यूटर होता है जिसे इजिली सूटकेस में फिट किया जा सके। कंप्यूटर यूज्ड इन क्लिनिकल लैबोरेटरी। जो कंप्यूटर क्लिनिकल लैबोरेटरी में यूज किया जाता है, उसे भी हम लैपटॉप कह सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट होते हैं अगर आप बताना चाहते हैं कि लैपटॉप क्या है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इनपुट? कंप्यूटर में जो आप इनपुट देते हैं, अगर आपसे सिंपल वर्ड में पूछा जाए कि इनपुट क्या होता है, तो आंसर क्या होगा? बी, विच इज प्रोसेसर गेट्स बाय यूजर। जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को मिलता है, उसे इनपुट कहा जाता है। व्हाट इज आउटपुट? तो फिर आउटपुट क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, विच इज यूजर गेट्स फ्रॉम द प्रोसेसर। जो प्रोसेसर से यूजर को मिलता है, उसे आउटपुट कहा जाता है। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व, प्रोसेसिंग किस में इन्वॉल्व होता है, या फिर क्वेश्चन में आपसे सिंपली पूछ सकता है प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या काम करता है। तो राइट आंसर होगा ए, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोसेसिंग में इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मॉनिटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज एन एग्जांपल ऑफ। मॉनिटर का ही दूसरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं VDU। ये किसका एग्जांपल है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ आर सूटेबल, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा बी, आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज द वर्क ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर? कंप्यूटर मॉनिटर का वर्क क्या होता है, क्या काम करता है मॉनिटर? ए, डिस्प्ले रनिंग टास्क इन कंप्यूटर। बी, इनपुटिंग डेटा। सी, आउटपुटिंग। डी, प्रिंट डेटा। करेक्ट आंसर होगा ए, डिस्प्ले रनिंग टास्क इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने भी टास्क चल रहे हैं, उन्हें डिस्प्ले करना कंप्यूटर मॉनिटर का काम है। व्हाट इज MP3? MP3 क्या है? माउस, प्रिंटर, स्कैनर, साउंड फॉर्मेट। करेक्ट आंसर होगा डी, साउंड फॉर्मेट। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर क्या है? ए, इट प्रोसेसेस मोर देन वन यूजर्स डेटा एट अ टाइम। ये एक ही टाइम में एक से अधिक यूजर के डेटा को प्रोसेस करता है। बी कहता है, इट इज़ अ फास्ट एंड कॉस्टली कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम जो है कॉस्टली भी है और फास्ट भी है। इट इज़ यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, जहां बहुत ज़्यादा काम होता है। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा डी, ये सभी सुपर कंप्यूटर के काम है, सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूजेस, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है इनमें से जो पर्सनल यूज के लिए है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा बी, माइक्रो कंप्यूटर। फास्टर कंप्यूटर इज, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है फास्टर कंप्यूटर क्या है, या फास्टर कंप्यूटर का एग्जाम्पल दीजिए, तो करेक्ट आंसर होगा डी, सुपर कंप्यूटर। व्हाट इज अल्ट ऑफ विंडोज विस्ता? विंडोज विस्ता में अल्ट क्या है? वेबसाइट, नेम ऑफ वायरस,
कंप्यूटर कमांड नेम ऑफ कीबोर्ड की? तो राइट आंसर होगा डी, नेम ऑफ कीबोर्ड की। कीबोर्ड के एक की का नाम है अल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इनमें से कौन सा सबसे अलग है? यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, इंटरनेट। करेक्ट आंसर होगा डी, इंटरनेट। बाकी जो आप तीन देख रहे हैं ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग नाम हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय पॉपअप ऑन इंटरनेट? इंटरनेट पर पॉपअप का क्या मीनिंग है? ब्राउजर, सर्च इंजन, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो करेक्ट आंसर होगा सी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। सीडी रिक्वायर्स अ डैश टू रन इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में रन करने के लिए सीडी को किसकी नीड होती है? तो करेक्ट आंसर होगा सीडी ड्राइव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का मेजर फंक्शन नहीं है? ए, प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये क्या है, मेजर काम है कंप्यूटर का। बी, स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करना भी कंप्यूटर का मेन काम में से, मेन फंक्शन में से एक है। गैदरिंग डेटा, ये भी कंप्यूटर का काम है। डी, एनालाइजिंग डेटा और इंफॉर्मेशन, ये कंप्यूटर का मेजर फंक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड? माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, और इसका अलग नाम क्या है? माइक्रोचिप, माइक्रोचिप, कैलकुलेटर, सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर होगा ए, माइक्रोचिप। एग्जाम में जो भी ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं और क्वेश्चन जो भी मिलता है उसे ध्यान से रीड कीजिएगा। यहाँ पे आपको माइक्रोचिप और माइक्रोचिप दोनों दिया गया है, आंसर माइक्रोचिप होगा। हड़बड़ी में आप माइक्रो पे टिक मत कीजिएगा। बाय हुम द क्लॉक एंड कैलेंडर आर सेव्ड इन द कंप्यूटर? किसके द्वारा कंप्यूटर में क्लॉक और कैलेंडर को सेव किया जाता है? फ्लैश मेमोरी, रैम, रोम, सीमोस। करेक्ट आंसर होगा डी, सीमोस की मदद से आप कंप्यूटर में क्लॉक और कैलेंडर को सेव करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ऑन विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर किस लैंग्वेज में वर्क करता है? मशीन लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा ए, मशीन लैंग्वेज। डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड? जो डेटा कंप्यूटर में जा रहा है, कंप्यूटर में एंटर कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? इनपुट, एल्गोरिदम, कैलकुलेशन, फ्लो चार्ट। आंसर होगा इनपुट। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ फैक्स मशीन? फैक्स मशीन किस टाइप का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय? इनपुट को आउटपुट में मॉडिफाई किया जाता है किसके द्वारा? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू। आंसर होगा डी, सीपीयू के द्वारा। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर अ ट्रांसलेटर? इनमें से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है? बेसिक, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। आंसर होगा डी, मशीन लैंग्वेज। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज यूज टू? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस लिए यूज किया जाता है? ए, नेटवर्क कनेक्शन, बी, एक्सचेंजिंग डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, सी, एक्सचेंज डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, डी, सिंपल मैसेजिंग टेक्स्ट प्रोसेस। आंसर होगा सी, एक्सचेंज डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर होगा देना है। ब्लूटूथ नेटवर्क का
रेंज कितना होता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमने आपको नेटवर्किंग के वीडियो में बताया है। थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर के वर्क करने का थ्योरी क्या है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, नन ऑफ दिस। आंसर होगा सी, प्रोसेस। व्हाट इज एटीएम, एटीएम क्या है। सिंपल अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज एटीएम, तो आंसर क्या होगा, सी, विथड्रॉवल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ। आप कैश को विड्रॉ कर लेते हैं बिना किसी स्टाफ के, तो ये होता है एटीएम। व्हाट इज ईडीपी, ईडीपी क्या है, या फिर कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ए, बी, सी या फिर डी। आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। एनालॉग कंप्यूटर इज, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। करेक्ट आंसर बताइए। पहले तो आपको वीडियो को पॉज करके सभी को रीड करना है। आपको हम डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताते हैं, ए, अ मशीन विच वर्क्स ऑन डेटा विच इज ऑलवेज चेंजेबल। एक मशीन है, एनालॉग कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा पर काम करती है, जो हमेशा चेंजेबल होता है, जिसे हमेशा चेंज किया जा सकता है। बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर इज, कंप्यूटर के द्वारा बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा स्टोरेज, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, डी, ये सभी। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट, कंप्यूटर को यूज करने के क्या बेनिफिट है। ए, कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी इनफ्लेक्सिबल, कंप्यूटर्स प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन व्हेन इनपुट इज इनकरेक्ट। अगर आप इनपुट इनकरेक्ट भी देते हैं तो कंप्यूटर आपको एक्यूरेट यानी कि सटीक आउटपुट देगा, एकदम सही। सी कहता है, कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा सी, कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड दे कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर फास्ट तो होता ही है, आप इसमें किसी भी काम को बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर भी कर सकता है। तो ये होता है कंप्यूटर को यूज करने का बेनिफिट, या फिर कह सकते हैं एडवांटेज। मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज, डेटा प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज, डूइंग कैलकुलेशन। आंसर होगा सी, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस यूज। मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजंक्शन विथ, मेन मेमोरी इनमें से किसके साथ मिलकर काम करती है। स्पेशल फंक्शन कार्ड्स, रैम, इंटेल, सीपीयू। आंसर होगा डी, सीपीयू। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, गीगो का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये टर्म कंप्यूटर में किससे रिलेटेड होता है, एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्साटिलिटी। आंसर होगा ए, एक्यूरेसी। द टर्म मेमोरी रेफर्स टू, मेमोरी का मीनिंग क्या होता है, मेमोरी टर्म जो होता है ये क्या रेफर करता है। आंसर होगा सी, स्टोरेज। द टर्म पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ, पोर्टल टर्म किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है। इंटरनेट, चेक प्रिंटर, फार्माकोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन। आंसर होगा ए, इंटरनेट से। हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक को डिजाइन करने वाले का नाम क्या है। ए, बी, सी या फिर डी। आंसर होगा सी, प्रेस्पर, एकट और जॉन मॉचली। अब आप क्या बताएंगे, एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू इफ यू स्विच फ्रॉम विंडोज 98 टू विंडोज एक्सपी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप विंडो 98 से विंडो एक्सपी में स्विच करते हैं तो आप एग्जैक्टली में
क्या करते हैं? पैच, अप स्टार्ट, अपग्रेड, डाउनग्रेड। आंसर होगा सी, अपग्रेड। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन द सॉफ्टवेयर कोड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कोड में एरर को फाइंड करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? एरर हैंडलिंग, कंप्लेनिंग, डीबगिंग एरर। आंसर होगा सी, डीबगिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। इनमें से कौन रेफर करता है? सबसे फास्ट होने का, सबसे बड़ा होने का और सबसे एक्सपेंसिव ही होने का। तो आंसर क्या होगा? डी, सुपर कंप्यूटर। इन विच ईयर वॉज द फ्लॉपी डिस्क इन्वेंटेड। फ्लॉपी डिस्क का इन्वेंशन किस ईयर में किया गया था? 1971, 73, 75, 77। आंसर होगा ए, 1971 में। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू डू PhD इन कंप्यूटर साइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर साइंस में PhD करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? संजीव कुमार, राकेश कुमार, जे राज रेड्डी, नन ऑफ दिस। आंसर होगा सी, जे राज रेड्डी। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंडियन है फर्स्ट PhD किए थे। हु इज क्रेडिटेड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में डेटा स्टोर करने का क्रेडिट किसे दिया जाता है? आंसर होगा बी, डॉक्टर वॉन न्यूमैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पार्ट नहीं है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, UPS। आंसर क्या होगा? UPS। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि UPS भी कंप्यूटर का पार्ट है। आप बिल्कुल सही है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज हम कंप्यूटर में क्यों करते हैं? इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि आप जो भी कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अचानक से आपका पावर कट हो जाए तो आपका कंप्यूटर तुरंत शट डाउन ना हो। आप जो भी इसेंशियल काम कर रहे हैं उसे सेव कर ले, देन आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए। ये क्या करता है? बैटरी बैकअप देता है 15 से 20 मिनट का। तो अगर ये ना हो तो भी हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है। इसका यूज करने का बेनिफिट होता है कि ये हमें पावर सप्लाई देता है। तो आंसर डी होगा। अब उम्मीद करते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। बाकी जो आप तीन देख रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इसके बिना हम कंप्यूटर सोच ही नहीं सकते। ये कंप्यूटर का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर कॉल्ड इन हिंदी। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा डी, संगणक। व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ए, 2 दिसंबर को। वंस द इंफॉर्मेशन इज इनपुटेड इनटू द कंप्यूटर इट बिकम्स। एक बार जब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट हो जाती है तो ये क्या बन जाता है? डेटा, ऑब्जेक्ट, आइडियाज, फैक्ट। आंसर होगा ए, डेटा। द फाइल मैनेजर इज द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को क्या कहते हैं? फाइल, फोल्डर, माई कंप्यूटर, विंडोज एक्सप्लोरर। आंसर होगा डी, विंडोज एक्सप्लोरर। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल इन विंडोज एक्सप्लोरर यू नीड टू। विंडोज एक्सप्लोरर में किसी फोल्डर के कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए आपको इनमें से किसकी नीड है? आपको क्या करना है? किसी भी फोल्डर में जो भी कंटेंट है उसे आप देखना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? नेम इट, रीनेम इट, गिव इट अ पासवर्ड, क्लिक ऑन इट। आंसर होगा डी, डिस्प्ले करना है तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सी, स्टोर्ड डेटा।
कंप्यूटर इज नेम्ड एज डैश इंटेलिजेंस, कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है, आंसर सी होगा। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, लो, हाई, कंप्यूटर का कैपेसिटी क्या होता है? तो आंसर होगा ए, लिमिटेड। कंपेयर इज, कंपेयर क्या है कंप्यूटर के टर्म में? अर्थमेटिक फंक्शन ऑफ ALU, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन ऑफ ALU, लॉजिकल फंक्शन ऑफ ALU, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर होगा सी, लॉजिकल फंक्शन ऑफ ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का लॉजिकल फंक्शन होता है कंपेयर करना। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, तो आंसर क्या होगा, एग्जीक्यूटिंग कमांड को कैरी करने की प्रोसेस है। प्रोसेस्ड डेटा ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर का प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाता है, जो डेटा प्रोसेस हो चुका है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा आउटपुट। डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज मीनिंगफुल डेटा, तो आंसर यहाँ पे होगा डी, डेटा रिप्रेजेंट करता है रॉ फैक्ट्स को, जबकि वेयर एज मतलब जबकि इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल डेटा है। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट, एक साथ अगर आप ग्रुप कर देते हैं इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को, तो ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, बी, कंप्यूटर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन VDU एंड कीबोर्ड, यानी कि VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि मॉनिटर और कीबोर्ड के बीच में लिंक एस्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा होता है? CPU, माउस, प्रिंटर, नन ऑफ दिस। आंसर होगा ए, CPU के। द पार्ट ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? CPU का वो पार्ट जो कंप्यूटर और अदर कंपोनेंट्स के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, कंट्रोल यूनिट। ये क्या है, CPU का पार्ट है। द लोकेशन नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा इज इट्स, किसी पर्टिकुलर डेटा का लोकेशन नेम उसका क्या होता है? एड्रेस, स्टोरेज सीट्स, डेटा लोकेशन, मेमोरी नेम। आंसर होगा ए, एड्रेस। अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ, कंप्यूटर किस सीक्वेंस में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? ए, बी, सी, या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा बी, फेच, डिकोड, देन एग्जीक्यूट। इसी सीक्वेंस में कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कंप्यूटर व्हेन इज मेकिंग इट आर नीड, कंप्यूटर का स्पेशलिटी यानी कि विशेषताएं क्या होता है जब ये हमारे नीड को फुलफिल करती है? वर्क फास्ट, स्टोरेज कैपेसिटी, गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, डी, ये सभी। अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी, साइज, रेट, एक्सेट्रा, द कंप्यूटर हैज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जनरेशंस, अकॉर्डिंग टू यानी कि साइज, रेट, एफिशिएंसी के अनुसार कंप्यूटर को कितने जनरेशन में डिवाइड किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन को इतना घुमा के पूछा है, आंसर होगा डी, 5 जनरेशन होते हैं कंप्यूटर के। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का विशेषताएं क्या है? वेरी लो कॉस्ट, यूज्ड इन होम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट ऑर्डर आर द इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस के कौन से ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं? आप इसे वीडियो को रोक करके रीड कीजिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। करेक्ट आंसर होगा डी, इनपुट डेटा, देन प्रोसेस, देन आउटपुट। कंप्यूटर दैट वॉज मेड
बिफोर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के पहले कौन सा कंप्यूटर बना था इनमें से? तो राइट आंसर होगा ए, इलेक्ट्रिकल। इन प्रोडक्शन ऑफ आईसी चिप ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज नीडेड इन द फॉलोइंग? अगर आप आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इनमें से किसकी जरूरत पड़ेगी? करेक्ट आंसर होगा ए, सिलिकॉन। अ कंप्यूटर पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी बाय ट्रेवलर्स इज, इनमें से कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल और इजी है कैरी करने में किसी भी ट्रेवलर्स के लिए, अगर वो कहीं ट्रेवल कर रहा है तो? आंसर क्या होगा? डी, लैपटॉप कंप्यूटर। ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेन फ्रेम वॉज डेवलप्ड बाय, मेन फ्रेम के लिए मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था? आंसर क्या होगा? डी, बेल लैबोरेटरी। अ डिवाइस दैट टेक्स अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ कंप्यूटराइज्ड इमेज, एक डिवाइस जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक्चर लेता है और उसे कंप्यूटराइज्ड इमेज में कन्वर्ट कर देता है, तो आंसर क्या होगा? डी, स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर के फॉर्म में उसे सॉफ्ट कॉपी बना देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट इन एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इनमें से कौन सा प्रोग्राम नहीं है? क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, ऑफिस आर्ट, पेंट आर्ट। आंसर होगा डी, पेंट आर्ट। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड, कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है? तो आंसर क्या होगा? सी, प्रोसेसर। सभी को पता है कि कंप्यूटर के ब्रेन को सीपीयू कहते हैं। यहाँ पे आपको सीपीयू नहीं दिया गया है क्योंकि सीपीयू को ही प्रोसेसर कहते हैं, तो आपसे कुछ भी ऑप्शन दे सकता है जिसे आप आंसर बता पाएं। तो आपको अगर पता होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है? बीट, बाइट, डिजिट, मेगाबाइट। आंसर होगा ए, बीट। द क्लॉक स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज कैलकुलेटेड इन, कंप्यूटर की क्लॉक की स्पीड को किसमें कैलकुलेट की जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, गीगाहर्ट्ज। विच कंटेंट एंड्स व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, कंप्यूटर के बंद होने पर कौन सा कंटेंट एंड हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है या फिर कह सकते हैं खत्म हो जाता है? आंसर होगा डी, मेमोरी। व्हाट इज द वर्ड एम ई फॉर्म्ड इन विंडोज एम ई, विंडोज एम ई में बनने वाला एम ई वर्ड क्या है? डायरेक्ट करेक्ट आंसर बताते हैं ए, मिलेनियम एडिशन। यूजर गिव्स अ नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, व्हाट इज इट कॉल्ड, यूजर डॉक्यूमेंट का एक नेम देता है जिसे क्या कहा जाता है? नेम गिवन, फाइल नेम, डॉक्यूमेंट नेम, नन ऑफ दिस। आंसर होगा बी, फाइल नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द टाइप ऑफ फाइल, इनमें से कौन सा फाइल के टाइप को इंडिकेट करता है? पाथ, फोल्डर, फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन। आंसर होगा डी, फाइल एक्सटेंशन की मदद से आप ये बता पाएंगे कि कौन सी फाइल किस टाइप की है। वैक्यूम ट्यूब वॉज मेड इन, वैक्यूम ट्यूब को कब बनाया गया था, किसमें यूज किया गया था? यहाँ पे पूछा गया है वैक्यूम ट्यूब वॉज यूज्ड इन, तो आंसर होगा इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर टू बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर अवेलेबल होने वाला फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा था? ए, बी, सी या फिर डी? आंसर होगा बी, द हिंदू। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज यूज टू राइट HTML कोडिंग, HTML कोडिंग को लिखने के लिए इनमें से किस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है? वर्डपैड, नोटपैड,
एमएस वर्ड, वर्ड आइकन। आंसर होगा बी, नोट पैड। वेयर इज द टास्क बार इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ होता है? ऑन द स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू पर, एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के टॉप में, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बॉटम में, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा सी, आप डेस्कटॉप पे देखिएगा एकदम बॉटम यानी कि नीचे में स्क्रीन में आपको वहाँ पे टास्क बार दिखेगा, जहाँ पे जितने भी प्रोग्राम रन होते हैं, कंप्यूटर का डेट एंड टाइम, जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं आपको डिस्प्ले होता है। विच प्रोग्राम इज यूज टू करेक्ट स्पेलिंग इन वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, स्पेलिंग को करेक्ट करने का, चेक करने का प्रोग्राम कौन सा होता है? आंसर होगा बी, स्पेल चेक, जिसका शॉर्टकट की होता है F7। वॉट इज अ ग्रुप ऑफ फाइल्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर कॉल्ड? कंप्यूटर में स्टोर फाइलों के ग्रुप को क्या कहते हैं? लिस्ट, इंडेक्स, डिक्शनरी, डायरेक्ट्री। आंसर होगा डी, डायरेक्ट्री। विच कमांड इज यूज टू रिमूव द प्रोग्राम? प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? फॉर्मेट, डिलीट एंड स्केप। आंसर होगा बी, डिलीट। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड? इंटरनेट पर गुड्स के ट्रेडिंग की प्रोसेस क्या कहलाती है? ई सेलिंग, ई ट्रेडिंग, ई कॉमर्स, नन ऑफ दिस। आंसर होगा सी, ई कॉमर्स। सी, सी प्लस प्लस एंड जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ? सी, सी प्लस प्लस और जावा किसके एग्जाम्पल हैं? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। विच ऑफ दीज इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? इनमें से कौन सी साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है? फोरट्रान, पास्कल, बेसिक, नन। आंसर होगा ए, फोरट्रान। फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर, और यू कैन से फॉर्मूला ट्रांसलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू? इनमें से कौन सा सीपीयू का पार्ट नहीं है? सीयू, एएलयू, रजिस्टर्स, प्राइमरी स्टोरेज। आंसर होगा डी, प्राइमरी स्टोरेज। विच कंट्री हैज द मोस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंप्यूटर इस कंट्री में है? अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया। आंसर होगा ए, अमेरिका। बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस? बार कोड रीडर किस टाइप के डिवाइस का एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस। आंसर होगा ए, इनपुट डिवाइस। रिबन इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ प्रिंटर? रिबन किस टाइप के प्रिंटर में यूज होता है? डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, नन ऑफ दी अबव। आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। विच कंप्यूटर इज द स्मॉलेस्ट इन साइज? इनमें से कौन सा कंप्यूटर साइज में सबसे छोटा है? तो राइट आंसर बता दे बी, पाम टॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट अ डॉट मैट्रिक्स? इनमें से कौन सी डिवाइस डॉट मैट्रिक्स है? क्वेश्चन का मीनिंग है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉट मैट्रिक्स, यानी कि इनमें से कौन सी डिवाइस डॉट मैट्रिक्स है? तो आंसर होगा बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड सर्विस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस है? आउटलुक, ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन नॉट, वन ड्राइव। आंसर होगा डी, वन ड्राइव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस? इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा डी, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही पार्ट हैं। विच इज यूज टू टाइप लेटर्स इन एमएस ऑफिस सूट? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में अगर आपको लेटर टाइप करना है तो इनमें से किसका यूज होगा? तो राइट आंसर होगा ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज हम करते हैं कुछ भी टाइप करने के लिए, लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, एक्सेट्रा। वर्ड का यूज होता है कैलकुलेशन के लिए, पावर पॉइंट का यूज होता है पीपीटी वगैरह बनाने के लिए। द लेंथ ऑफ अ वर्ड इन अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, कंप्यूटर में वर्ड के लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, बाइट, बीट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट। आंसर होगा बी, बीट्स। व्हाट इज कॉल्ड द राजपथ ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के राजपथ को क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर होगा सी, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ चुके हैं और इसका आंसर आप ही को देना है। व्हाट एग्जैक्टली विल यू डू इफ यू वांट टू कन्वर्ट विंडोज एक्सपी टू विंडोज 7, यदि आप विंडोज एक्सपी से विंडोज 7 में स्विच करते हैं तो इनमें से आपको क्या करना होगा, पैच, अपडेट, अपस्टार्ट, अपग्रेड। आंसर होगा डी, अपग्रेड। देखिए यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हो सकता, आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे। अपडेट का मीनिंग क्या होता है, किसी पुराने चीज में न्यू चीजें ऐड करना, उसे हम अपडेट कहते हैं। यहाँ पे बात क्या हो रहा है, विंडोज एक्सपी को विंडोज 7 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, विंडोज एक्सपी को अनइंस्टॉल करके विंडोज 7 इंस्टॉल करना होगा, तो इसे हम कहते हैं अपग्रेड। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक्सपी, ऑफिस, लिनक्स, यूनिक्स। आंसर होगा बी, ऑफिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने हर ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।